जनजातीय जिला किन्नौर के निचार उपमंडल के तहत उर्नी गांव से संबंध रखने वाले गेवाशंकर नेगी आज किन्नौर जिला ही नहीं बल्कि साथ लगते हुए जिला शिमला व कुल्लू जिला के युवा बागवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं, जिन्होंने अपने अध्ययन कार्य के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर दिखाया है। उन्होंने इस मिथ्या को भी तोड़ दिया है कि बागवानी के लिए जमीन अधिक चाहिए होती है। गेवाशंकर नेगी ने मात्र 16-20 में 500 सेब के उन्नत किस्म के पौधे लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। गेवाशंकर नेगी का कहना है कि बचपन से ही उन्हें खेती का शौक था। उन्होंने कहा कि इस खेती के लिए उन्होंने YouTube पर केवी के शार्बो और चिगांव के प्रगतिशील बागवान व किसान रतन महेश से प्रेरणा लेकर यह काम किया। एक रतन महेश जी जगह से प्रोग्रेसिव फार्मर भी होंगी, तो उनसे प्रेरणा मिली है। बाकी मैंने यूट्यूब चैनल्स में देखा था, रोडू साइड विजिट किया था या कल्पा में विजिट किया था, जो वर्किंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो बगीचा लगा है वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली सर। और इसमें जो है ये जो प्लांट्स आते हैं फॉरेन से आते हैं, इटली से आया है, तो इसका जो लागत था 600 रुपये था, यहाँ तक पहुँचाने तक 600 रुपये था। और ये पिछले साल आया और इसी बार ये कम से कम अपना 250 रुपये खर्चा ये इसी साल। युवाओं के लिए तो मेरा एक ही संदेश है, अगर आप लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे जाते हैं या हाई डेंसिटी पे जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, M9 रूस्टॉक सबसे बेस्ट है। और कम लेवल पर मत करना, हो सके तो 500 से 1000 जो प्लांट्स है उस पे करना। वहीं उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से ही बहुत मेहनती था। मेरा बेटा गेवाशंकर शुरू से ही बहुत ही मेहनती है, ये अरे परे इसको रिसर्च करते हुए इसको पिछले साल ही इसको पौधा लगाना शुरू किया और इससे काफ़ी ज़्यादा आमदनी का वो लगता है कि इससे ज़्यादा आमदनी हो सकती है। ये इसका मेहनत ने रंग लाया, क्योंकि ये शुरू से मेहनत करता था, गरीबी घर का रहने वाला है, हम लोगों ने इसको शुरू से मेहनत करने को सिखाया था। इस लोगों का यहाँ सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ आने का स्वागत करता हूँ, साथ में जो बगीचा ये गेवाशंकर ने नया वैरायटी तैयार किया है, जो यहाँ गांव के युवा है जो बेरोज़गार है उनके लिए एक नई चीज़ सीखने के लिए, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कुछ तरीके हम ट्रेनिंग लगाया जाए, उनको प्रैक्टिकली यहाँ ला के युवाओं को हम बगीचे को दिखा के उनको नई प्रेरणा दें। कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट हमेशा बहुत कुछ करती है, उसमें से लेटेस्ट ये है कि जो हमारे इनकम है वो जल्दी से दुगना किया जाए पर्टिकुलर ईयर तक। ये दुगना कैसे होगा, किन्नौर में हम लोगों का ये बागवानी चीज ऐसी है जिससे हम दुगना कर सकते हैं। और गेवाशंकर जी है हमारे उर्नी गांव के, इनको सबसे पहले तो मैं अपने दिल से और पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और बधाई भी देना चाहूँगी कि जैसे ग्राम पंचायत उर्नी में ये प्रैक्टिकल दिख रहा है, आज हम यहाँ इस बगीचे में खड़े हैं, गेवाशंकर जी का मेहनत है ये। गेवाशंकर जी एक खाली किसान नहीं है, ये एक स्कूल में अध्यापक भी है और अध्यापक का फर्ज भी निभा रहे हैं, मेहनत इतना करते हैं। और उनके साथ उनके जो वाइफ है उनको भी बधाई देना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा मेहनत। तंजीम नेगी वार्ड मेंबर हूँ, आज जैसे देवाशंकर जी ने आज इतना सुंदर प्लांट लगाया हुआ है, इसको देखते हुए हम भी भविष्य में इस तरह का काम करेंगे। और ये देवाशंकर द्वारा जो बागवानी क्षेत्र में सघन खेती की है जिसे इंग्लिश में हाई डेंसिटी कहते हैं, और 2 वर्ष में ही फसल लग रहा है, तो जो परंपरागत कृषि की या बागवानी की अपेक्षा ये जो सघन खेती है काफ़ी अच्छा। आज हम यहाँ गेवाशंकर जी के बगीचे में आए और हमने देखा कि यहाँ ये HDB पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ 16-20 में जो है कि 400 से ऊपर प्लांटेशन लगा हुआ है और फलों से लग...